रेडी हूँ शूट के लिए, आप रेडी हैं? हाँ बिल्कुल। सालम, उबेद, रेडी हो? हाँ हम रेडी हैं। ओके, साइंस प्रोजेक्ट होमवर्क, सीन वन, टेक वन, एक्शन। चलिए जानते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की। कमाल का आइडिया है, यहाँ रखें लिक्विड्स को, देखिए ये बह सकते हैं या डाले जा सकते हैं। पर इन्हें पकड़ पाना आसान नहीं है। नहीं, बल्कि ये नामुमकिन है। सॉलिड्स अपना आकार पकड़े रहते हैं, वो लिक्विड्स की तरह बहते नहीं, वो अपने शेप पर अड़े रहते हैं। सही कहा, और वो देखो जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस बन जाता है। और एक लिक्विड को ठंडा करने पर वो लिक्विड सॉलिड बन जाता है। साइंस मजेदार और कमाल। बिल्कुल मेरे दोस्तों बे। कट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दोस्तों, हमारा साइंस प्रोजेक्ट रेडी है। हाँ, ये क्या है? इसे एक्टिंग कहते हैं। नहीं नहीं, मतलब इससे था। ये क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, पर वो किसी से तो छिप रही है। ये पहली तो सुलझानी ही पड़ेगी। तुमने सही कहा मेरे दोस्त मंसूर। किस सर रहस्यमय कजिन का। हाँ? हाँ? हमें हमारा गुनेगार मिल गया, देखो। चलो उसके पीछे चले। वहा उस तरफ कोई सबूत है? एक भी नहीं। चलो आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों। शम्मा, तुम क्या कर रही हो? हाँ सुनो, मुझे जाना है, बाद में मिलेंगे। ये मामला तो उलझते ही जा रहा है। किस्सा रहस्यमय कजन का और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया। चलो देखते हैं वो कहाँ जा रही है। हाँ, उसने हमें देख लिया है। जल्दी यहाँ अंदर चलो। अब तो हमें पहचान नहीं पाएगी, है ना? उस पैकेट में क्या है? जरूर एक फोटो फ्रेम है। वो किससे बात कर रही है? वो शायद किसी बड़े मास्टरमाइंड से बात कर रही है। हाँ, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। ओ देखो वो आ गए, वो आ गए। ये तो तुम्हारे अंकल आंटी हैं। क्या यही है वो जिनसे हमारा पाला पड़ा है? लगता तो नहीं, पर अब हमें पता लगाना ही होगा। क्या लगता है उस बॉक्स में क्या होगा? शायद बड़ी सी कटी नोटों की या गहने होंगे। माफ करना। सॉरी, अब मुझे जाना होगा।
मिले सबूतों से क्या लगता है आपको डॉक्टर उबेद? मेरे ख्याल से हमारे मुजरिमों ने गाड़ी गेट के पास लगाई है ताकि वो जल्दी से जल्दी भाग सके। तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें क्या लगता है शमा वहाँ क्या कर रही है? शायद वो सबसे महंगी सबसे नायाब आर्ट चुराने वाली है। तो चलो हम जाके उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। हाँ, कहाँ गई वो? वहाँ। ओह, बच निकली। वो सबसे शातिर मुजरिम है। घबराओ मत, उसे ढूंढ लेंगे। चलो जासूस दोस्तों, इस तरफ चलते हैं। हाँ, ये क्या? शायद फायर अलार्म चेक कर रहे होंगे। या शायद चोरी हो रही है मंसूर। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम सही कह रहे हो, हम तो बस मस्ती कर रहे थे। शम्मा आर्ट गैलरी से थोड़ी ना एक पेंटिंग चुराएगी, क्यों है ना? सुनो दोस्तों, आके देखो तो। नानो, क्या तुम इस फोटो को पहचानोगे प्लीज? पहचान लूंगा मंसूर, ये तो दी मॉर्निंग सनराइज है, एक बेशकीमती पेंटिंग जो इस वक्त सिटी आर्ट म्यूजियम में डिस्प्ले पर है, जो कि अभी इस वक्त सिटी आर्ट म्यूजियम से चुराई जा रही है। शुक्रिया नानो। सुनो, मुझे यकीन नहीं कि शम्मा पेंटिंग चुराएगी, तो चलो आज असली जासूसी करें। अगर वो पेंटिंग अभी यही है तो शम्मा चोर नहीं हो सकती। सही है, चलो पता लगाते हैं। इसके हिसाब से द मॉर्निंग सनराइज पेंटिंग यहाँ होनी चाहिए, है ना दोस्तों? ये कैसे हो गया? सच में उसने ले ली? मुझे यकीन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों ये तो सच में गड़बड़ हो गई। ओह, ये नामुमकिन है। पर सबूतों को देखे तो वो तुम्हारे गार्डन में अजीब बर्ताव कर रही थी, और मॉल में भी बड़ी अजीब लग रही थी, और यहाँ के अलार्म बजने लगे, और निकलते वक्त उसके हाथ में पेंटिंग भी थी, और वो पेंटिंग अब यहाँ नहीं है। नहीं, इसके पीछे कोई तो बात जरूर होगी। है ना, तुम्हारी कजिन और उसकी पूरी फैमिली चोर है, हमें पुलिस को बताना होगा। नहीं, मुझे उससे बात करनी है। हेलो, हे शम्मा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, तुम बताओ? हाँ, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। बढ़िया। सुनो, तुम्हें मॉल में देखकर अच्छा लगा। थोड़ी जल्दी में थी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया तुम आज जल्दी में थी। हाँ सॉरी। बताओ क्या चल रहा है आजकल? मैं अभी घर पहुँची। अभी घर पहुँची हो? घर पर मिलकर बात करें। ठीक है ठीक है। हाँ, अब बाद में घर पर खाने के वक्त मिलता है। बाय। ठीक है, घर पर मिलता है शम्मा। मुझे यकीन नहीं होता, शम्मा ने एक बेशकीमती मास्टरपीस म्यूजियम से चुराया है, और वो उसे चिंदी से गोल्डन फ्रेम में लगाने वाली है जो उसने गंदे वाले मॉल से ली थी। रुको, क्या वो तुम्हारे घर आने वाली है खाने पर? हाँ। तो तुम क्या करोगे? मेरे ख्याल से मुझे उनसे बात करनी है, तुम दोनों भी चलो। बच्चों आओ बैठो। मंसूर, मैं अगले हफ्ते छुट्टी पर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन यहाँ नहीं रहूंगी, पर सुनो मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। शुक्रिया। मैंने सबको दिखा दिया और सबको बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी तो पूरी फैमिली इसमें शामिल है मंसूर। इसे ढूंढना आसान नहीं था, मैंने मॉल में ढूंढा पर मुझे मिला नहीं, तो फिर मुझे कहीं और से इसे लाना पड़ा। एनीवे, हैप्पी बर्थडे मंसूर। तुम इसे दिखाना नहीं चाहोगे, इसे सिर्फ अपने तक ही रखना। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। हाँ? क्या? तुम तीनों दुनिया के सबसे बेकार जासूस हो। मैं समझा नहीं शम्मा। मैं समझाती हूँ, ठीक है? मैं मॉल गई थी तुम्हारे लिए ये फ्रेम लाने जो तुम्हारे हाथ में है, और मैं आर्ट म्यूजियम गई तुम्हारे लिए द मॉर्निंग सनराइज के इस प्रिंट को लाने के लिए। पर मैंने तुम्हें उस बेवकूफ सी दाढ़ी में भागते हुए देख लिया था। मुझे लगा तुमने हमें देखा ही नहीं। मैं तो तुम्हें अनदेखा कर रही थी।
पर आज सुबह गार्डन में जो हुआ उसका क्या? तुम रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं बीच में जाना नहीं चाहती थी। और अलार्म्स का क्या? लापता पेंटिंग का क्या? पेंटिंग को तो साफ करने के लिए निकाला था, पर उनसे गलती से अलार्म ट्रिगर हो गया। वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं चल रही थी। ये न्यूज अखबारों के पहले पेज पर आई थी। माफ करना शम्मा, सच में सोचा कि सबूत सारे वैलिड थे। सबूत कुछ ज्यादा ही वैलिड थे कि तुम तीनों पागल हो। क्या कोई मुझे समझाएगा कि पैसों से भरे बॉक्स का और गहनों का क्या हुआ? तुम्हें गलत फहमी हो गई। अब क्या कहना चाहोगे? केक कौन खाना चाहेगा? बैठ, कब से जादुई कालीनों के बारे में कहानियाँ पढ़ रहा है? मजा आ जाता अगर हम अपना खुद का जादुई कालीन बनाकर उसमें उड़ पाते। ओबेद, तुम देख नहीं सकते मैं बिजी हूँ। तुम्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पसंद है, तो क्या तुम्हें लगता है तुम इसे उड़ा पाओगे? बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट होगा। एक बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट? तुम मुझे परियों की कहानी देकर साइंस की बात कर रहे हो? मुझे मेरा काम करने दो। सालम, मैं यहाँ। अब जग जाओ, रास्ते से हटो अजनबी, तुम सड़क पर ही सो गए हो। हाँ? हम कहाँ है? हम यहाँ पहुँचे कैसे? सालम, क्या चल रहा है? कौन सालम? हाँ? बेवकूफी मत करो सालम, मैं ब्रेड ले रहा हूँ। इसके हुए 50 रुपए। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे बैग में देखने दो कितने पैसे हैं। हेलो मंसूर। जादूगर, क्या कह रहे हो? देखो सिर्फ नानो ही है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बाद में दे दूँ? एक तो जादूगर, ऊपर से चोर भी। हाँ? सब रास्ता छोड़ो, महान सुल्तान आ रहे हैं। लेकर आओ। हाँ, उफ।
मेरे लिए एक जादुई कालीन बनाओगे। एक जादुई कालीन? पर मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पर मैंने तुम्हें अभी देखा मेरी सल्तनत में उड़ते हुए। आप चाहे तो आप उसी को रख लीजिए। नहीं, तुम मेरे महल में आकर मेरे सबसे बेहतरीन पर्शियन कालीन को उड़ाओगे। मुझे नहीं लगता मैं कालीन को उड़ा सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता। एक लड़का है। क्या ये? ये मैंने इसका जादू देखा है। इसे महल के काल कोठरी में डाल दो। हाँ? मेरा हुक्म है, इन सब को ले जाओ। क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम तीनों को मेरे लिए सबसे बढ़िया कालीन बनाना होगा, वरना। ये कालीन उड़ना चाहिए। ये करने के लिए तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है। बंद कर दो। चील की तरह उड़ो या कबूतर की तरह उड़ो। तोते के पंख लेकर मैं कह रहा हूँ उठो। ऐसे तो तुम उसे कभी भी नहीं उड़ा पाओगे उबेद। उबेद कौन है? तुम किससे बात कर रहे हो अजनबी? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ छोड़ो, जाने दो। उस कालीन से बात करके कुछ फायदा नहीं होगा, बेवकूफी है। कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है। तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया जादूगर। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर और एक इन्वेंटर हूँ। पर तुम्हारे उस बैग में जादू है। मेरे बैग में सिर्फ नानो है, वो जादू नहीं है, वो बस एक रोबोट है। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी। नहीं भाई, मैं तो इस जेल का रखवाला हूँ। दादाजी मुझे कुछ चीजें चाहिए। अगर मुझे उड़ने वाला कालीन बनाना है तो मुझे मदद चाहिए होगी। क्या चाहिए तुम्हें? वो टेबल, कुछ धागे, थोड़ी वायर, एक हथौड़ा, थोड़े से खिले और एक आरी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें चार बड़े पंखे भी चाहिए होंगे जिनसे सुल्तान को ठंडक मिलती है। हाँ वो भी दीजिए। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक उड़ने वाला कालीन बनाना है। हम सुल्तान को जादुई कालीन दिखाएंगे और फिर उस पर बैठकर यहाँ से भाग जाएंगे। ओए! सुनो, तुम तीनों का खात्मा पक्का है, चाहे कामयाबी मिले या चाहे ना मिले। तुम हमें यहाँ से निकाल पाओगी शम्मा? मेरा नाम सही से पुकारो, मैं हूँ राजकुमारी शम्मा। ओह, मैं माफी चाहूंगा राजकुमारी जी, मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दीजिए। हमारी मदद कीजिए राजकुमारी। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ कैदी। माफी चाहता हूँ। हेलो, कैसे हो? जल्दी करो, सिपाही हमारे पीछे ही है। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, वो आ गए, वो आ गए, जल्दी करो। वो रहे कैदी। वो
पानी की तरफ जा रहे हैं। मेरा नाम तो अली बाबा है। अच्छा अली बा। हाँ। और तुम मुझे सालेम क्यों बुलाते रहते हो? बाग, 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 बाग। ध्यान रखना मंसूर। नानो मुझे यहाँ से निकालो। नानो सॉरी मेरा नाम नानो नहीं है, मैं शर्मा हूँ और मैं बहुत टेस्टी हूँ। हाँ? मंसूर 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 उठ जाओ मंसूर। कहीं बुरा सपना तो नहीं देख रहे थे? बड़ा ही अजीब सपना था दादाजी, आपको भी नहीं समझ आएगा। अच्छा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बाहर तुम्हारे दो मेहमान हैं। सालेम और उबेद, एक जादुई कालीन बनाने का वक्त आ गया है। सच में जद्दा से मिलने के लिए बेचैन हूँ। सुनो दोस्तों, मैं रेड सी में जाकर वहाँ के बड़े बड़े बेहतरीन सी टर्टल्स देखना चाहता हूँ। बड़े सी टर्टल्स? हाँ बड़े सी टर्टल्स, सबसे बड़े वाले। माफ करना पर ऐसे टर्टल्स नहीं होते। देखो होते हैं ना। हाँ इंटरनेट पर भी देखा है। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता। खास कर जब साइट का नाम monstersofthedeep.com हो। देखो हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन और मिमिक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो गया है। ओ मैं तो समझा ही नहीं। मतलब नानो वॉइसेस के लेवल्स और पैटर्न्स को सुनकर उनकी नकल निकाल पाएगा। हाँ अब भी कुछ नहीं समझा। देखो हाँ? हे ये क्या कर रहे हो? थोड़ी देर रुको, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लाजवाब, ये तो बिल्कुल मेरी आवाज थी। फरे सवाद, तुमने सही कहा, मान गया इसे। ये तुमने कैसे किया? क्या इस रोबोट ने अभी मेरी आवाज निकाली? हाँ ये एक स्मार्ट रोबोट है, ये आपके बोलने के तरीके को सीखकर आपकी आवाज से आपसे बात कर सकता है। अच्छा है ना? मैं इसे कहाँ से खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकते क्योंकि इसे मैंने बनाया। अरे ये तो बड़ी दुख की बात है, ये रोबोट तो मेरे बड़े काम आता। मुझे चिल्ला के बोलने में प्रॉब्लम होती है और बीच पर हो रहे वर्ल्ड कप में कमेंट्री भी देनी है, तो ये रोबोट मेरी मदद कर सकता था। अच्छा शायद हम आपकी मदद कर पाए क्योंकि हम भी वही जा रहे हैं। जानते हो इस साल हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है, होम ग्राउंड में होने का फायदा होगा। सही कहा, हम भी अंदर जाने वाले हैं, हम कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर की? वो तुम कैसे करोगे? उबेद स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का मैच शुरू होगा तुर्की से। जाहिर है होम ग्राउंड वालों के लिए ये खेल आसान नहीं होगा, जिनका मुकाबला है ब्राजील की टीम से, वो भी एक ऐसे खेल में जिस पर पिछले कुछ सालों से साउथ अमेरिका
करना। कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें एक दिन के लिए बोट कहाँ मिलेगी? तुम तो सच में बहुत लकी हो, ये मेरी बोट है और चाहो तो कम दाम में ले लो। कितने में? मुफ्त में, अभी ले जाओ, शाम को जल्दी वापस ले आना। ये बोट ऑटोमेटिक है, इसमें मोटर है, पैडल की जरूरत नहीं। काफी बढ़िया ऑफर है। मैं बहुत दिनों से यही तो चाहता था, समुंदर के बीचों बीच एक दिन की छुट्टी बिताना। जानवर कहाँ है? सारे स्मगल किए जानवर कहाँ छुपाए हैं? क्या कहा, जानवर? कौन से जानवर? जरूर आपको कोई गलत जानकारी मिली है सर जी। ये सी टर्टल्स के लिए हैं। ऑनलाइन लिखा था उन्हें ये पसंद है। देखा, ना जाने वो बड़े वाले सी टर्टल्स कहाँ छुपे बैठे होंगे। हमने तुमसे कहा ना, ऐसे कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ कहानियों में होता है। पर जैसा कि मंसूर ने कहा, तुम इंटरनेट पर लिखी सब चीज को सच नहीं मान सकते। क्या मैं बोट चला सकता हूँ मंसूर? तुम्हें चलाने आती है? हाँ, मैंने इंटरनेट पर से देख के सीखा। यहाँ मजा आ रहा है, देख क्या रहे हो, तुम सब भी यहाँ जाओ। तुम्हें यकीन है तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? मैं बोट का ख्याल रखूंगा। अगर वो तुम्हें दिखे तो सी टर्टल को मेरी तरफ से हेलो कह देना। जेद्दा कोस्ट पर सभी बोट्स को सूचित किया जाता है, आज डॉक्स पर एक मशहूर जानवरों का स्मगलर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसकी बोट अब भी मिलनी बाकी है। उस बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर है 77। अगर वो आपको कहीं भी दिखाई दे तो सावधान रहें। ओ नहीं, हाँ? पर इन्होंने सावधान रहने को क्यों कहा? ओए, हटो हटो यहाँ से, जाओ जाओ। ओ, 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 ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मिल गया, ये जरूर काम करेगा, पर मैं इसे चलाऊंगा कैसे? जानता हूँ, जरूर यही कहीं इसकी कोई मैनुअल पड़ी होगी। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं। ओ ठीक है, आसान है। नहीं 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 नहीं, क्या वहां तेंदुआ था? अब बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या हो गया? मैंने तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुम मुझे खाना चाहते हो, बताओ। ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है, इसके बाद जो होगा समुंदर की मर्जी है। उबेद, हमें गए सिर्फ आधा घंटा हुआ था, ये क्या हुआ? बोट को देखो, ये डूब रही है। इसमें आग लगी थी क्या? और एक गुस्सेल तेंदुआ हमारे पीछे है। अचानक से आज का दिन मुझे इतने रिलैक्सिंग लग नहीं रहा है। बड़ी लंबी कहानी है,
जरूरी ये है कि ये मेरी बची हुई आखिरी स्ट्रॉबेरी है। तुम्हें अभी भी ऐसा तो नहीं लगता ना कि कोई बड़ा सा टर्टल मिलने वाला है? उबेद, वो बड़े सी टर्टल्स होते ही नहीं है, वो बस कहानी है। हमें यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों वहाँ देखो, देखो माना अगर बड़े टर्टल्स होते भी होंगे अब उसके मिलने का क्या फायदा? मेरा मतलब पता नहीं ज्यादा बुरा क्या होगा, डूबना या किसी तेंदुए के पेट में जाना या फिर फ्री की सवारी को खो बैठना, क्योंकि हम इस बोट को कभी वक्त रहते पहुंचा ही नहीं पाएंगे। मैं बताता हूँ बड़े टर्टल के मिलने का क्या फायदा है। ख्याल से तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। हाँ? तुमने स्मगलर की बोट ढूंढ ली। स्मगलर की बोट? हाँ, और जैसा कि आप देख सकते हो जिसे वो स्मगल कर रहा था वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों मैंने कहा था ना लंबी कहानी है। ओह दोस्तों मैंने अजीब सपना देखा, मैं एक बोट में अकेला फंस गया था। वो कोई सपना नहीं था। जब उसमें आग लगी तब भी नहीं? नहीं। और वो तेंदुआ? नहीं। पर फारिसवद हमें कैसे मिल सकते हैं? लो मैं आ गया, तुम लड़कों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम लोगों के साथ मैंने कुछ ज्यादा ही मजे किए। मुझे लगता नहीं है बच्चों कि अब मुझे जल्द कोई छुट्टी मिलने वाली होगी। और फिर नानो ने इतनी शानदार कमेंट्री दी उस टूर्नामेंट में कि मेरा फोन तब से बजता जा रहा है और मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। क्या बात है नानो। तुम्हें लगता है विलेन कहीं के? तुम मेरी आगे की लाइन क्या थी? कोई अहमद को स्क्रिप्ट दो। पता है मैंने सुना है ये फिल्म एक असली कहानी पर बन रही है। हाँ एक असली कहानी जहाँ उन्हें सुपर हीरो ने पकड़ा हो। हाँ यही तो होता है। ठीक है वो सीन को रहने भी दो, पर जेल से भागने वाला हिस्सा वो तो सच है ना? और ऊपर से वो ठीक वही शूटिंग कर रहे हैं जहाँ से असली कैदी भागे थे। सही कहा, सुना है कैदी सुरंग की मदद से जेल से भागे थे और उसके बाद वो कैदी उन पहाड़ों के पीछे छुप गए। देखो
उनकी स्क्रिप्ट गिर गई। ये इकलौता मौका है मेरे पास अपने फेवरेट हीरो से मिल पाने का दोस्तों, चलो। हेलो हेलो अहमद हमदान सर, माफ कीजिएगा पर हम बस आपको ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे हमेशा अपने फैन से मिलकर खुशी होती है। जानते हो मैं भी पहले बिल्कुल तुम जैसा ही था। पहले जब मैं सेलिब्रिटीज को देखता था तो ऐसा ही करता था। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा एक्शन हीरो बनाने के लिए जानते हो मुझमें कौन सी खूबियां थी? कौन सी? मैं बहादुर था और ऐसे ही मैंने ये मुकाम हासिल किया है। क्योंकि तुम बहादुरी की एक्टिंग नहीं कर सकते अगर तुम सच में बहादुर नहीं हो तो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कभी भी पर्दे पर खुलकर नहीं आ पाओगे। तो अब मेरा बस एक छोटा सा सवाल है नन्हे दोस्त, तुम कितने बहादुर हो? माफी चाहूंगा मेरे नन्हे दोस्त, वो मैं गिर गया था ना इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ। अब चलो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं, तुम घबराना मत। ठीक है, मैं घबरा नहीं रहा, मैं दुनिया के सबसे बहादुर एक्शन हीरो के साथ जाऊँ। आप रास्ता बताइए। तुमने सही कहा, मेरे पीछे जाओ। बचाओ मुझे प्लीज, मेरी मदद करो, बचाओ, मेरी बीवी घर पर इंतजार कर रही है। मेरे घर पे बाल बच्चे हैं, प्लीज मेरी मदद करो। ओ बिल्कुल, दो मिनट दीजिए सर, आप नीचे आराम से पहुंच जाएंगे। मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। पर वो बिल्कुल आपके नीचे है। नहीं नहीं, वो बहुत दूर है, तुम ही मुझे ऊपर खींच लो ना दोस्त। अच्छा तो आप ऊपर ही आ जाओ। ओ, मेरा दोस्त मंसूर है। हेलो मंसूर। आप ठीक है? आप ठीक तो है? सच तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि मुझसे और बर्दाश्त होगा नन्हे दोस्त। आप घबराओ मत, मेरी अभी मंसूर से बात हुई है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता हमारे साथ इससे बुरा कुछ हो सकता है, है ना? तुम्हें बस एक चीज संभालनी थी और वो थी चाबी। जेल से भागने का प्लान मैंने बनाया, कुल्हाड़ी का इंतजाम भी मैंने किया, तुम्हें सिर्फ एक चीज संभालनी थी और वो थी चाबी, और वो तुमने खो दी। क्यों? तुम्हें बिना चाबी के गाड़ी चालू करनी आती है? मैं एक शातिर गुनहगार हूँ, कोई गाड़ी चोर नहीं, मुझे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी चाहिए। हाँ? देखो गाड़ी की चाबियाँ। ठीक है, अब हमें सच में यहाँ से निकलना होगा। आप इतने बड़े एक्शन हीरो हो, कोई आइडिया तो होगा? हाँ, हम इस तरफ से जाएंगे। ठीक है, पर हम कौन सा रास्ता लेंगे? बचाओ हमें! लगता है पहले की तरह वो क्रिमिनल्स फिर से जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे अहमद हमदान मूवी में निकल रहे थे। वही तो, सही कहा, तो पहली बार एंड में क्या हुआ था? आप अहमद हमदान के असिस्टेंट हो, जब कैदी भागे थे तो उन्हें पकड़ा कैसे गया था? मेरे ख्याल से उन्होंने जमीन के अंदर की गुफाओं GPS की मदद ली, कहीं ऐसा ही हुआ होगा पक्का। मैं तुम्हें बता तो सकती हूँ, पर फिर मैं इस फिल्म की एंडिंग खराब कर दूंगी। क्या तुम पक्का जानना चाहते हो एंड में क्या होता है? हाँ। अच्छा ठीक है, मुझे बस कुछ याद आ गया, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। उबेद, हमें यहाँ कोई मदद नहीं मिलने वाली, अहमद हमदान से पूछो। मुझे नहीं लगता मंसूर वो मेरी कोई भी मदद कर पाएंगे। मैं तुम्हें बाहर निकलने की लोकेशन तुम्हारे फोन पर भेज रहा हूँ, बस उसे फॉलो करो और फिर हम पुलिस बुला लेंगे, ठीक है? देखो मंसूर,
जितना लगता है ये उतना भी आसान नहीं है। ओह नहीं नहीं, मेरे ख्याल से मैं समझ गई यहाँ क्या हो रहा है। देखो माफ करना, पर एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या? दरअसल सच तो ये है, पता नहीं मैं कैसे कहूँ, पर अहमद उतना बहादुर नहीं जितना लगता है। जान चुका हूँ। जब वो ऐसे हो जाते हैं तो बस एक ही काम किया जा सकता है। वो क्या है? उन्हें उनका केप दे दो। क्या देना है? उनका केप? हाँ, सुपर हीरो वाला, वो उसके मिलते ही बदल जाता है। सुनने में अच्छा प्लान है, पर मैं यहाँ नीचे केप कहाँ से लेकर आऊँ? ओ, क्या किसी ने एक सुपर हीरो का केप मंगवाया? इसके बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। ओह ऐसा मत कहो यार, हम चाबियां ढूंढ लेंगे, अब हमें बस इतना ही करना है। रुको, ये क्या था? क्या था? कहा? चाबियों को छोड़ो, चलो यहाँ से निकलते हैं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। अरे रुको। ये तो हर जगह है। मेरे पीछे आओ। वो रही गाड़ी, जल्दी। अरे देख क्या रहे हो, सुरंग में वापस चलो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ पुलिस। बस बस, हम हार मान गए, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। इसे हमसे दूर रखिए, हम हार मानते हैं। आपने बहुत ही बहादुरी का काम किया है अहमद हमदान। वो खतरनाक मुजरिम थे, बहुत से लोग उनका सामना करने में डरते हैं। दरअसल मैं किसी से डरता नहीं हूँ ऑफिसर, मेरा दूसरा नाम ही हिम्मत है। पता है मुझ में इतनी तो हिम्मत है ही, और खासकर मैं और खासकर इन लड़कों ने मेरी बहुत मदद की, इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। बहुत अच्छा काम किया, मैं अपनी रिपोर्ट में तुम सबका नाम लिखूंगा। मैं तो कल की हेडलाइन को अभी से ही देख सकता हूँ, फरार होते कैदियों को दुनिया के बेस्ट सुपर हीरो ने रोका, किसने सोचा होगा। कैसे हो बच्चों? हम बस पहुंच ही गए हैं। इस वक्त हम बर्मुडा के पास के छोटे से आइलैंड से गुजर रहे हैं। ओ, बर्मुडा ट्रायंगल, उम्मीद है हम गायब ना हो। ये क्या था? ये बस एक छोटा सा तूफान है, मुझे अपने कैबिन में लौटना चाहिए। तुम लोग अपना सीट बेल्ट लगा लो। बिजली को तो देखो, पिंक कलर की है। बता रहा हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही फिल्में देखते हो उबेद।
बस ये एक तूफानी तो था। पर डैड, मेरे फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तुम वहाँ चढ़कर कोशिश कर लो, शायद सिग्नल मिल जाए। मुझे इंजन चेक करना होगा, और हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है डैड, बाद में मिलते हैं। चलो दोस्तों। हाँ चलो। दोस्तों, वहाँ देखो, देखने में तो ये लुटेरे लग रहे हैं। नहीं, तुम भी ना, जरूर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, हमें चलकर देखना चाहिए। चलो। हमारी खोज तकरीबन खत्म हो गई है। और कट। रुक जाओ, ये सिर्फ लड़के ही तो हैं। कौन हो तुम? मैं हूँ मंसूर, और ये मेरे दोस्त उबेद और सालम। यहाँ शूटिंग चल रही है। शूटिंग? ये शूटिंग क्या होता है? यानी कि एक मूवी, जैसे कि ये। अरे ये तो कमाल ही हो गया, हमें अनमोल खजाना मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या, इसके अंदर तो इसने छोटे छोटे लोगों को कैद करके रखा है, हमें बचाना होगा। इनकी दिक्कत क्या है? सुनो जबल, नाव को बांध दो, मेरा नाम है सिंदबाद। सिंदबाद? जैसे कि सिंदबाद द सेलर? एक सेलर, एक साहसी और एक रखवाला आपके लिए हाजिर है। तुम्हें समझ आया यहाँ चल क्या रहा है दोस्तों? ये आदमी पूरा पागल है। शायद नहीं, जरा सोचो, तूफान आया, मेरा फोन अजीब से बिहेव कर रहा है, और इन लोगों को ये तक नहीं पता कि फिल्म क्या होती है। दोस्तों मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मेरे ख्याल से तुम्हारी सारी बातें सच थी उबेद, तो तूफान असल में एक टाइम पोर्टल था। माफ करना, पर वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा। बात यह है कि हम सात समुंदर पार करके बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी राजकुमारी खतरे में है। राजकुमारी? राजकुमारी आलिया, बगदाद की राजकुमारी। हुआ यूं कि असल में उसे जहर दे दिया है उस शैतान सुल्तान कादिर ने। कादिर उसकी गद्दी हथियाना चाहता है। वो एक बहुत बड़ा गद्दार है, और राजकुमारी को अगर कुछ बचा सकता है इस बुरी किस्मत से, तो वो है नसीरा का सितारा, एक छोटा सा फूल जो कि सिर्फ यहाँ इस टापू पर उगता है। फूल? वो तो आसानी से मिलेगा। काश इतना आसान होता मेरे नन्हे दोस्त। असल में वो फूल बिच्छुओं की घाटी में एक विशाल पर्वत की चोटी पर उगता है। बिच्छू? अच्छा, शुक्र है सांप नहीं कहा आपने। देखो हमें सांप भी मिलेंगे, बहुत सारे सांप मिलेंगे। अभी हमें जाना होगा, तैयार हो जबल? रुक जाओ सिंबा, शायद हम मदद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सुरंग हमें सीधे उस पेड़ तक पहुंचा सकती है। मुझे ठीक नहीं लग रहा, देखने में ही खतरनाक है। सो तो है, कुछ भी छूना मत। इसे बनाने वाले ने यहाँ बहुत से अलग अलग किस्म के जाल बिछाए थे। मेरे पीछे आओ, चलो जल्दी करो। रुक जाओ। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, मुझे लगता है वहाँ कुछ है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, यहाँ बिछाए हुए जाल अब भी अच्छे से काम करते हैं। अब हम क्या करें? हम कवच बनाएंगे। बहुत बढ़िया, तुम एक दमदार और साहसी योद्धा जैसे लग रहे हो। जबल, हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही कवच बनाओ, जल्दी। नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ।
सब ठीक हो जाएगा सालम, ये काम कर रहा है। ये तो बड़ा आसान है, क्या इतनी मुश्किलें हैं यहाँ? संभल के। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। उबेद, कुछ भी करना लेकिन नीचे मत देखना। साहब, अरे नहीं, मुझे खींचो ऊपर। उबेद, अपनी चॉकलेट छोड़ दो। कभी नहीं। उबेद, तुम सांप देख रहे हो? शुक्र है तुम सही सलामत हो। हम पहुंच गए। वो रहा नसीरा का सितारा। तुम्हें लगता है कि ये मेरा वजन उठा लेगा? रुक जाओ। मुझे नहीं लगता। सब बर्बाद हो गया। मैंने इतना लंबा सफर तय किया हारने के लिए, अब मेरी राजकुमारी को उससे कोई नहीं बचा पाएगा। इतनी जल्दी नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। ये क्या चीज है? मिलो मेरे दोस्त नानो से, ये राजकुमारी की जान बचाएगा। हेलो मंसूर, कैसे हो? हेलो नानो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। ये तो तुमने गजब की चीज बनाई है। है ना? मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा मंसूर। तुम सभी का, तुम्हें शूरवीरों की तरह याद रखा जाएगा और तुम पर कहानियां बनेंगी। मंसूर देखो, वो तूफान। टाइम पोर्टल खुल रहा है, हमें इसी वक्त जाना होगा। इसे रख लो, मेरी तरफ से तोहफा। बाय बाय मंसूर। हाँ डैड। गुड लक सिंबाद। हम न्यूयॉर्क पहुंचेंगे तकरीबन 20 मिनटों में और हम अपने स्केड्यूल से 8 घंटे पीछे चल रहे हैं। ये सब भी जरूर बर्म्यूडा ट्रायंगल की वजह से हुआ होगा। शायद तुम सही हो बेद, तुम सही कह रहे हो। हफ्ते का एक्सपेरिमेंट एनर्जी एफिशिएंसी पर होगा। आपके एक सदस्य को हवा में रोक के रखना होगा। ये तो आसान है, लेकिन बिना किसी इंजन के मदद से।
उतना भी आसान नहीं। टीम्स में बट जाओ और फिर बाहर जाकर अपने एक्सपेरिमेंट्स शुरू करो। यहाँ से जो चाहे ले सकते हो ताकि इससे आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। हम धागा लेकर उसे दो कुर्सियों से बांध देंगे और फिर हम में से दो जने कुर्सी के ऊपर बैठ जाएंगे और एक धागों पर लेट जाएगा। मेरे ख्याल से ये काम करेगा। हाँ, बड़ा ही अच्छा आइडिया निकाला तुमने, शुक्रिया। हो, ये चीटिंग है। कोई बात नहीं उबेद, इन चीजों में से कुछ भी काम की नहीं है। मेरे पास घर पर इससे भी बेहतर चीजें हैं। ये वाली चलेगी। हाँ, इनसे किसी को तो सपोर्ट मिल सकता है, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है उबेद, चढ़ जाओ इस पर। शायद तुम्हें उसे उड़ाना था मंसूर, तुमने तो उसे डुबा दिया। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तुम सब घर पर भी काम कर सकते हो, पर हाँ, ये काम कल क्लास में दिखाना होगा। चलो मेरे घर चलते हैं, वहाँ मेरी चीजें पड़ी है और हम इस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम कर पाएंगे। चलो चले दोस्तों। मैं सारा को लेने जा रही हूँ, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। अब हम ये एक्सपेरिमेंट कैसे पूरा करेंगे, बोलो दोस्तों। सोचने दो, मुझे जरा सोचने दो। पानी? नहीं नहीं, शुक्रिया, मैं जूस पी रहा हूँ। नहीं, हम पानी के प्रेशर की मदद से तुम्हें उड़ा सकते हैं। पर हम इसे हवा में कैसे रोकेंगे? मेरे पास प्लान है। ठीक है, ये हाई प्रेशर पानी की पिचकारी काम करनी चाहिए। इसमें ऑलरेडी पानी है तो हमें एक्सपेरिमेंट को शुरू करना चाहिए। और प्रेशर की जरूरत है, पकड़े रहना ओबे। वाह, काम बन रहा है। काम लगभग बन ही गया था। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा, चाहे जो हो जाए, मैं ये दोबारा नहीं करने वाला। कोई बात नहीं उबेद, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। हेलो, लौट आए। मिल गया। मुझे नहीं लगता कि एक बलून मुझे हवा में रख पाएगा। सही कहा, एक तो नहीं रख पाएगा, पर खूब सारे बलून्स जरूर रख पाएंगे। घबराओ मत उबेद, कुछ गलत नहीं होगा। हो गया। सारे नंबर्स जोड़ने के बाद हमें एग्जैक्टली 48 बलून चाहिए होंगे उबेद को हवा में रखने के लिए। कितने बलून्स फुला लिए उबेद? करीब करीब 200। क्या? रुक जाओ, हमें सिर्फ 48 बलून्स ही चाहिए। गैराज में ही रहना। क्या? ओ, 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 पकड़ो।
अब हम क्या करेंगे? हमें आधे से ज्यादा बलून फोड़ने होंगे। पर कैसे? सोचने दो, मुझे सोचने दो। नानो उड़कर जाएगा और बलून्स को फोड़ देगा। नानो? पर कैसे? वो नुकीला तो है ही नहीं। जल्दी कोई नुकीली चीज ढूंढो। आई। हाँ, ये काम करेगा। ओ, 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 आप आ गए! बचाओ! ए, इस तरफ! मदद करो! अब मैं क्या करूंगा? मैं नीचे कैसे जाऊंगा? घबराओ मत उबेद, मैं आ गया। नानो? उबेद, हम तुम्हें नीचे लेकर आएंगे। नानो, क्या कर रहे हो? मंसूर, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। घबराओ मत उबेद, सब ठीक हो जाएगा। और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि साइंस हमारे साथ ही है उबेद। ओ, 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 साइंस इतना डरावना हो सकता है? ओ, 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 11, 12, 13, बहुत अच्छे नानो, थोड़े और फोड़ दो। ओ, 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 कितने फोड़ने वाले हो तुम लोग? 142, 143, 144। नानो, अब बस तुम्हें तीन और बलून्स फोड़ने हैं। कोई बचाओ मुझे, मैं गिरकर मर जाऊंगा। मेरी उम्र ही क्या है? कैसे हो बे? कोई तो इसे निकाल दो। मुझे ये नहीं करना। पर तुमने देखा नहीं, हमने साइंस प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ? क्या सच में? हाँ, तुम्हारे वजन के मुताबिक हमें बस 48 बलून्स चाहिए। उससे ज्यादा लिए तो तुम उड़ जाओगे, वो भी हवा में। उससे कम लिए तो तुम हवा में उड़ोगे ही नहीं। दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, पर सच बताऊं तो मेरा आज का साइंस और एक्सपेरिमेंट का कोटा पूरा हो चुका है। तो देखते हैं बच्चों, किस किस ने ये चैलेंज सुलझाया है। पहले तारिक की टीम। देखे कैसे ये धागे मेरा वजन संभालते हैं। बहुत अच्छी कोशिश है तारिक। मंसूर, क्या तुम्हारी टीम तैयार है? ये तो कभी भी काम नहीं करेगा। ध्यान से रिसर्च करने के बाद हमने पता लगाया कि कितने बलून्स चाहिए हवा में उड़ाने के लिए, और हमें पता लगा कि अगर आप बलून्स के नंबर 4 गुना कर देते हो तो मुमकिन है कि आप एरोप्लेन जितना ऊंचा उड़ सकते हो। अच्छा मजाक था। सर, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ? ये मजाक नहीं कर रहा? नहीं सर। ओ, ओ, ओ? कॉन्ग्रेट्स मंसूर टीम, इस चैलेंज को सुलझाने के लिए।